दोस्तों, किडनी हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर ये बीमार हो जाए तो लोग डायलिसिस कराते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदेह है? चलिए हम आपको बताते हैं। किडनी की समस्या बेहद ही गंभीर होती है। किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में कई तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा होने लगती हैं और फिर जीना दुश्वार हो जाता है। किडनी की बीमारियों से निपटने के लिए डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले डायलिसिस से कई बार शरीर को अन्य बीमारी होने का खतरा बना रहता है। डायलिसिस कराने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है। किडनी का लंबे समय तक डायलिसिस कराने से ये समस्या हो सकती है। वैसे लो ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये शरीर में पल रही किसी गंभीर बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है। डायलिसिस के वक्त एक खास प्रकार का ब्लड प्योरीफाई करने वाला घोल शरीर में डाल दिया जाता है। ये घोल गंदे और जहरीले पदार्थों को सोख लेता है। ये प्रक्रिया दिन में 3-4 बार करानी पड़ती है। पुराना घोल निकालकर नया घोल पेट में डाल दिया जाता है, पर डायलिसिस में इस्तेमाल किए जाने वाले इस घोल को दिल के मरीज सहन नहीं कर पाते और उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। डायलिसिस से गुजर रहे एक तिहाई लोग डायबिटीज से भी पीड़ित हो जाते हैं। किडनी में हो रही नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी डायलिसिस के साथ मिलकर डायबिटीज पैदा कर सकती है। पश्चिमी देशों में ज्यादातर किडनी के मरीजों को डायबिटीज की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण डायलिसिस ही होता है। डायलिसिस कराने से अनीमिया भी हो सकता है। हमारी किडनियां एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन पैदा करती हैं, जो ऑक्सीजन को ले जाने में रेड ब्लड सेल की मदद करता है। किडनी की बीमारी में इस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। अनीमिया की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपको कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। डायलिसिस की वजह से फेफड़ों में भी तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। साथ ही किडनी की बीमारी के होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होती रहती है। इस कारणों की वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। किडनी की बीमारी में आपके खून में इकट्ठा होती गंदगी आपकी उल्टी का कारण भी बन सकती है। डायलिसिस कराते वक्त आपको कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अगर किडनी में पथरी है तो आपको पीठ से लेकर कमर तक एक तीव्र दर्द महसूस हो सकता है। लगातार डायलिसिस कराने से ब्लड में यूरिया का स्तर भी बढ़ जाता है। यूरिया लार में अमोनिया के रूप में उत्पन्न होता है, जो मुंह में अमोनिया ब्रेथ नाम की बदबू का कारण बन जाता है। साथ ही मुंह में एक मेटालिक सा टेस्ट बना रहता है। तो देखा आपने कितना ज्यादा नुकसान है डायलिसिस कराने के। पर अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो एलोपैथी में डायलिसिस के अलावा कोई इलाज नहीं बचता। तो फिर आखिर में इंसान क्या करे? चलिए जानते हैं कर्म आयुर्वेदा के बारे में। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दिल्ली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनियां ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? जालंधर के। जालंधर में कहाँ रहते हैं? जालंधर पंजाब। अच्छा, जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत थी? मदर है ना आपकी, क्या दिक्कत थी? पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग भी थी, तो 8.7 कुछ कटलाइन था। अच्छा, तो अभी रिपोर्ट आपके सामने है, काफ़ी फर्क पड़ गया है। पहले कितना था कटलाइन जब आप आए? 8.7। कहाँ दिखाया था यहाँ? ये जलंधर में दिखाया था। जलंधर में कहाँ? जलंधर मॉडल टाउन के पास है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया मैंने उधर से तो किया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? नेपाल से। नेपाल के। अच्छा, तो उस समय क्या बताया था जलंधर में डॉक्टर ने आपको? उन्होंने तो हमें डायलिसिस का बोल दिया था, नेक्स्ट वीक का डायलिसिस बोल दिया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पता करके फिर यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पे जब दवाई कराई तो डायलिसिस तो बंद हो गई, तो क्रिएटिनिन भी कम हो गया काफी। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था उस समय तो, और
डायलिसिस वाली स्थिति थी और उस समय तो बड़े बुरा बड़ा था। क्या क्या दिक्कत हो रही थी फिजिकली शरीर में आपको? नेपाल वासी, भारत वासी, पंजाब वासी, सब के लिए कर रहा था। खारिश होती थी शरीर में। अच्छा, खाना भूख नहीं लगती थी तो उल्टी आएगा जैसे होता था, ऐसे होता था। अभी लगता है, अभी ठीक लग रहा है ना? आप तो स्वस्थ महसूस कर रहे हो ना? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है, थोड़ा सा सूजन अभी हो जाए, देख लेते हैं। वो तो आप ट्रैवल करके आए। तो ये इनकी रिपोर्ट है, पहले वाली रिपोर्ट का, जिसके अंदर आपका क्रिएटिनिन 8 था, 8.71 था। बिल्कुल रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट लाई है अब 8.71 नहीं, 8.71 23/5/2018 को इन्होंने रिपोर्ट कराई थी और उस समय इनका क्रिएटिनिन 8 के आसपास पहुंच गया था। और अभी एक और टेस्ट करा के लाए मॉडर्न क्लिनिकल लेबोरेटरी चौक मकसूदन जलंधर की रिपोर्ट है, लक्ष्मी शर्मा जी की रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन 4.5 और यूरिया जो है वो घट के हो चुका है 93। डॉक्टर्स ने बताया था ये घट सकता है कभी? एलोपैथी में क्या बताया था उन्होंने? घटने का तो कुछ नहीं बताया था, सीधा उन्होंने तो यही बोल दिया था कि आगे डायलिसिस के लिए आ जाइए, अब यही ऑप्शन रह गया आपके पास। तो कि जो कि हम वहाँ पे भी साल से दवाई खा ही रहे थे रेगुलरली, और वो भी स्पेशलिस्ट थे वहाँ के किडनी के ही, कम होने की जब बार गए ना बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। अच्छा, मतलब जब स्टार्टिंग में हमें पता लगा था तो 3 था, तो वो वहाँ पे दवाई कराते कराते 8 तक पहुँच गया। अच्छा, उन्होंने कम नहीं किया, ऊपर से डायलिसिस भी के लिए भी कह दिया, मतलब साल भर दवाई करने के बाद बढ़ भी गया और डायलिसिस भी बोल दिया। अभी मतलब डायलिसिस भी कराना नहीं पड़ रहा यहाँ आने के बाद, और कभी कम भी हो गया रिपोर्ट के हिसाब से। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने इस पेशेंट की जिंदगी बदल डाली। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप शारीरिक हेल्थ से जुड़े और वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987172050, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।